पर गोविंद साहिब जी के प्रकाश पर्व के मौके पर शहर के अलग अलग गुरुद्वारा साहिब में धार्मिक समागम करवाए गए। इस दौरान संगतों ने श्रद्धा भावना के साथ गुरुद्वारों में जाकर माथा टेका। वहीं रागी जत्थों द्वारा आई हुई संगत को अपने कीर्तन श्रवण कर निहाल किया गया। इस दौरान गुरुद्वारा साहिब में आई हुई संगत के लिए मिस्टी रोटी, अचार, प्याज और लस्सी का लंगर भी लगाया गया। आज साहिब कमाल साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी का महान आगमन गुरपुरब संगतों के वालों हर साल की तरह बड़ी शानो शौकत दे नाल मनाए जा रहे हैं। अमृत वेले तो लैके करीब दोपहर 2:30 बजे तक ये जो भारी गुरमत समागम संगतों के वालों विशेष तौर उत्ते मनाए जा रहे हैं, उस दे विच एक उमंग रखी जाती है, एक आस दी किरण अते साहिबां दे अगे जोदड़ियां कीतियां जांदियां हन कि साहिब परिवारां दे विच खुशियां खेड़े अते चढ़दी कला बख्शे। जिथे खुशियां दे खेड़े दी भावना है उत्ते पुत्रां दे दात प्राप्त करन दे लई एक अरदास एक जोदड़ी साहिबां दे अगे कीती जांदी है। गुरद्वारा श्री सुखमनी साहिब अर्बन स्टेट फेस 2 दुगरी लुधियाना विखे छबीलां चल रहियां ने और मिठे प्रसादे लस्सी दही मक्खन प्याज ते ये सारा लंगर अज चल रहा, जो इस गुरपुरब की 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जो पुरब है, ये संगत जिमें माता गंगा जी बाबा बुढ़ा जी को लंगर लैके गए थी, उस प्रथा चालू रखते हुए संगत घर तो मिठे प्रसादे लंगर लस्सी मक्खन वगैरह सारा घर तो लैके आदियां ने और गुरद्वारा साहब के बरताए जाते हैं।